सुप्रचार श्री ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया सीहोर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या समुसरण में जलचर जीव आ सकते हैं? जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। तो कुछ जीव जल में रहने वाले ऐसे भी होते हैं जो जल के साथ साथ थल में भी रह सकते हैं। थल में रहना जैसे मेंढक रह सकता है, जैसे मगरमच्छ भी रह सकते हैं। तो ऐसे पंचेंद्री जो जलचर जीव हैं वो भी जो थल में रह सकते हैं वो समुष्ण में आकर के दिव्य ध्वनि का रसास्वादन कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक मेंढक जो है वो समुष्ण के लिए चल दिया था महावीर स्वामी के दर्शन करने और सुनने के लिए। तो इसका मतलब है पंचेंद्रीय जलचर जीव भी जो थल में रह सकते हैं वो जीव समुष्ण में जा सकते हैं। नमोस्तु चर्चरी सुलेख चंजन नोएडा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। मिलने के लिए एक में रूक्ष्मता तथा एक में स्कंदता की आवश्यकता केवल परमाणु के मिलने के लिए ही है या स्कंधों में मिलने के लिए? परमाणु के साथ साथ स्कंधों में भी इस प्रकार के लिए है कि एक स्कंद को दूसरे स्कंद से यदि इसको जोड़ना है मिलना है तो उनमें भी एक रूक्ष वाला स्कंद है एक जो है स्निग्ध वाला है अथवा दोनों रूक्ष रूक्ष वाले हैं अथवा दोनों स्कंद स्कंद वाले हैं और उनमें जो है शक्त्यांश शक्ति कम ज़्यादा है तो क्या होते हैं वो मिल जाते हैं। तो परमाणु के साथ साथ स्कंद में भी ऐसी व्यवस्था है। नमोस्तुचार्य श्री सुनीता जैन रोहिणी दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। किसी के जाने के बाद उसके नाम से दिया गया दान उसके जीव को पुण्य का फल मिलता है? कोई जीव अपने से वियोग हो गया और उसके नाम से कोई दान पुण्य किया जा रहा है तो देखो उसको तो फल नहीं मिलेगा, फल तो जो दे रहा है उसको मिलेगा। हाँ ये हो सकता है यदि वो देवगति आदि में गया और उसको अवधि ज्ञान से उसने देखा कि मेरे परिवार वाले इस प्रकार से शांति धारा या अन्य प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसको खुशी मिल सकती है। तो उस समय उसको अवधि ज्ञान के बल से वो जो खुशी मिलेगी धर्म ध्यान की तो हम इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि वो फल उसको भी प्राप्त हुआ क्योंकि उसने भी उसकी अनुमोदना कर ली। तो हमें करते रहना चाहिए और कराते रहना चाहिए कि कभी ना कभी उसको यदि जाति स्मरण हुआ अवधि ज्ञान हुआ तो उसे अच्छा ही दिखेगा, बुरा तो नहीं दिखेगा ना कि देखो हम तो गए हमारे नाम से या हमें सब भूल गए ना धर्म ध्यान किया ना कराया। तो उस जीव को कम से कम धर्म ध्यान ही याद आएगा उस जीव के नाम से, इसलिए अच्छे कार्य श्रेष्ठ करते रहना चाहिए। उनकी पुण्यतिथि आदि में आप विधान करो, शांति धारा करो, इस प्रकार से गरीबों को भोजन पानी आदि बांटो, ये अच्छे काम है, आपको भी लाभ है और उनको जाते स्मरण हुआ तो उसको भी लाभ हो जाएगा। नमोस्तुचार्य श्री तिसला राजकुमार शाह नासिक महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। वर्तमान में पंचम काल कितने वर्ष का है? पंचम काल 21,000 वर्ष का हुआ करता है। अभी वर्तमान में 21,000 वर्ष में आप 2620 वर्ष को निकाल दीजिए तो 2620 वर्ष निकल जाने के बाद जितना शेष बचे उतना अभी पंचम काल का समय और रह गया है। नमोस्तुचार्य श्री गुलजारी लाल जैन रफीगंज गया बिहार से अपनी शंका रख रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से जीव के कितने ज्ञान होने चाहिए, 2 या 4? ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से 4 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनहा परे ज्ञान। ज्ञान की शक्त्यांश का बढ़ना, जानने की शक्ति शक्ति बढ़ते जाना, जैसे जैसे कर्म के लेयर घटते जाएंगे हटते जाएंगे उतनी ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ऐसे अवधि ज्ञान और मनहा परे ज्ञान कर्म के 6 उपशम से आत्मा में जो प्रत्यक्ष रूप से जानने की शक्ति बड़ी। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानवरण कर्म के 6 उपशम से तो मति ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से जानने की शक्ति बड़ी थी, लेकिन शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मना परा ज्ञान के ज्ञानवरण कर्म के 6 उपशम से इंद्रियों के बिना भी डायरेक्ट आत्मा से जानने की शक्ति बड़ी है। और इन समस्त कर्मों का 6 हो जाए, केवल ज्ञानावरण कर्म का 6 हो जाए तो सदा सदा के लिए आत्मा से संपूर्ण पदार्थ को जानने की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार से 4 ज्ञान, 6 उसमें ज्ञान है, 1 ज्ञान 6 ज्ञान है। नमोस्तुचार्य श्री पूजा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं।
पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? क्या धर्म का आरंभ चौथे गुण स्थान से होता है? पुण्य धर्म जहाँ पर शुभ आश्रय किया जाता है, शुभ परिणाम किए जाते हैं, शुभ क्रियाएं की जाती हैं, शुभ वचन बोले जाते हैं, अच्छे कार्य किए जाते हैं, वो है पुण्य। धर्म क्या है? जिससे आत्मा को विशुद्धि प्रकट होती है उसे कहते हैं धर्म। तो इस प्रकार से पुण्य और धर्म को जानना, कहीं कहीं पुण्य को भी धर्म कहा है और कहीं कहीं शुद्धता को भी धर्म कहा है। तो धर्म दो प्रकार का हो गया, पुण्य धर्म और शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म शुद्धोपयोग रूप धर्म जो आत्मा का स्वभाव है, पुण्य धर्म जो आत्मा का स्वभाव नहीं है पर के निमित्त से प्रकट होने वाला अच्छे श्रेष्ठ कार धार्मिक सम्यक कार वो पुण्य धर्म। और सम्यक धर्म जो है वो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। नमोस्तुचर श्री सील चंद जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, जीव के विभाव परिणाम क्यों हो जाते हैं? जीव के विभाव परिणाम एक तो द्रव्य कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म आदि के उदय आने से जीव के विभाव परिणाम होते हैं। उसमें ऐसे ही नियोग और संयोग मिलते हैं जिसके कारण जीव के परिणाम विभाव रूप विकृत रूप हो जाते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में बांधे हुए ऐसे कर्म हैं जो उदय में आते हैं और हमारा आत्मा राग द्वेष मोही हो जाता है, इसलिए विभाव परिणाम होते हैं। नमोस्तु चौधरी ब्रह्मचारी रमेश जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी बार तथा कितने समय तक कीर्ति है? भगवान की जो वाणी है चार संधि काल होती हैं उनमें कीर्ति हैं, और एक बार में छः घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो छः छः घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। इसके बीच में यदि किसी प्रकार से पुण्यात्मा जीव का प्रवेश हो जाए तो उस समय चार संधि काल को छोड़कर के अन्य काल में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर सकती है, जैसे चक्रवर्ती का आना, सौधर्म इंद्र का आना, गणधरों का प्रश्न पूछना आदि समय में भी दिव्य ध्वनि खिर सकती है। नमोस्तुचर श्री सरस्वती विजय कुमार मायसौर कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं, निर्वृत्ति निर्वृत्ति और निवृत्ति इन तीनों में क्या अंतर है? निर्वृत्ति निवृत्ति और निवृत्ति तीनों में कहीं कोई खास फर्क नहीं है। प्रवृत्ति के अभाव को निवृत्ति कहते हैं, जहाँ पर हमारी प्रवृत्ति अभाव हो, पहले अशुभ प्रवृत्ति का अभाव और फिर बाद में शुभ प्रवृत्ति का भी अभाव हो करके निवृत्ति होना, निर्वृत्ति होना, अर्थात किसी प्रकार की वृत्ति नहीं करना, आत्मा में स्थित होना, वो निर्वृत्ति कहलाती है। और तीनों शब्द जो हैं वो उनका अर्थ एक ही है। नमोस्तुचर श्री मयंक जैन उस्मानपुर दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, अभिषेक करने और आहार देने के लिए हमें वस्त्र शुद्धि कैसे करनी चाहिए? पूजन के लिए और आहार के लिए वस्त्र जो हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अपने स्नान करने के बाद जो चार प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको उतार कर ही आप शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं। पुरुष वर्ग भी अपने चार वस्त्रों को और महिला वर्ग भी अपने चार प्रकार के वस्त्रों को उतार करके जो शुद्ध वस्त्र हैं, जिनको अभी किसी ने किसी वस्तु से छुआ भी नहीं है, किसी ने छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, सिर्फ दो वस्त्रों को पहन करके जो पुजारी गण जो हैं वो धोती और दुपट्टा दो वस्त्र पहनकर ही पूजा करते हैं और कोई प्रकार का और वस्त्र नहीं पहनते हैं। इसी प्रकार आहार दान में भी दो वस्त्र और इसी प्रकार से जो है पूजा पाठ में भी दो वस्त्र को धारण करके ही आहार और पूजा में उपयोग में लाया जाता है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगम धारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।